नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है और आज के मेरे मेहमान हैं सुमित सरपंच मकडोली और हम कराएंगे गांव गुआंड की बात। सरपंच साहब, आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्ते सतसिंह भाई, और आपके हरियाणा फाइल्स के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। सरपंच साहब, जैसे मैंने कहा हम करेंगे गांव गुआंड की बात, तो सबसे पहले कति गांव में हमारे दर्शक न ले जाए वहाँ, आप ये बताओ कि आप तो गांव में रहते हो, तो जो दूध की आपूर्ति है आप कैसे करते हो? भैंस भूस बांध रहे हो, क्यों करके कर रहे हो? सतसिंह भाई, अगर प्रॉपर आप मेरे ही गांव की बात करो तो आप हमारा गांव शहर के बहुत नज़दीक है। 5 से 10 मिनट लगते हैं रोहतक से हमारे गांव तक पहुंचने में। शहर के नज़दीक होने की वजह से वहाँ दूध का काम बहुत ज़्यादा, दूध की सप्लाई शहर में होती है। और जो अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए जो लोग अपना भैंस पालते हैं, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो डेयरी प्रोजेक्ट पे है ना, हमारे गांव में बहुत अच्छा काम लोगों ने कर रखा है। और आपको हैरानी होगी कि एक एक परिवार 50-50, 60-60 भैंसें रखता है और 2-3-4 तो मतलब कि भाई लोग ऐसे हैं जो डेयरी फार्मिंग में जिन्होंने सैकड़ों सैकड़ों भैंस और गायें पाल रखी हैं। तो जो आप दूध की आपूर्ति की बात अगर कह रहे थे, तो हमारे गांव का तो काम ही खेती बाड़ी और दूध का है। तो रोजगार कितना उत्पन्न हुआ होगा उसे? वो खुद तो स्वावलंबी बने ही हैं, लेकिन डेयरी चलाने के लिए मैन पावर तो चाहिए, तो क्या काम करने वाले बिहार यूपी वाले हैं का अपने लोकल काम करें? देखो, जो छोटे लेवल पे जिनका काम है 2-3-4-5 भैंस तक अगर है ना, वो तो अपना घरेलू स्तर पे ही अपना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने डेयरी फार्मिंग कर रखी है, बड़े लेवल पे कर रखी है, तो उनको तो अंडरस्टूड सी बात है कि भाई जरूरत पड़ती है लेबर की। और उनके मध्य प्रदेश और यूपी और बिहार से लेबर है वो जिनको अपना रखते हैं। अपने गांव वाले क्यों नहीं काम करते? जैसे अब पहले दूसरे से मैं पहले बताऊं, थोड़ा सा आप भी वाकिफ हो कि एक आपने बड़ी अच्छी पॉइंट मेंशन की कि जिनकी थोड़ी भैंस है वो अपने घर वाले मिलकर ज्वाइंट काम कर ले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक तो काम अपने हाथ का किया हुआ, उसकी क्वालिटी अलग है, दूसरा हर हाथ को काम मिला है, तो ये भी एक अच्छी बात है, सारी पॉजिटिव। और जितना भी काम होता था पहले गांव के, तो सारे भाई मिल के करा रहे थे, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, लेकिन काम बढ़ जा रहा था। इसलिए हरियाणा के गाँव को रिपब्लिक कहा गया है कि इसमें हर गांव अपने आप में रिपब्लिक है, यानी कि इनकी सारी आपूर्ति अपने आप कर ले, चाहे लोहार का, चमार का, जो भी है सारा काम है। लेकिन ये तो मॉडल बदल गया। बिल्कुल मॉडल बदल गया। और एक बहुत बड़ी समस्या आज के दिन जो गांव देहात की संस्कृति है ना, वो एक द्वंद्व झेलने लग रही है कि वो उसमें शहरी कल्चर घुसपैठ कर गया, गाँव अब गाँव नहीं रह गए, और उसका बहुत सारा खामियाजा भी गाँव देहात को भुगतना पड़ रहा है। और आम तौर पे उन चीज़ों को हम नोटिस नहीं कर पाते, इन जनरली कोई चर्चा नहीं चलती। अब जैसे कि भाई डेयरी और खेती, पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक होया करते थे। हाँ बिल्कुल। किसान अपने खेत में जाता था, वो अपनी फसल के अंदर जो खरपतवार था उसको उखाड़ता था, उसकी वो मेहनत खराब नहीं गई, वो खरपतवार उसके पशु के चारे के रूप में काम आता था। वो पशु उस चारे को खा करके गोबर वेस्ट नहीं, गोबर खाद का काम करता था, गोबर लकड़ी का मतलब कि ईंधन का काम करता था, गोबर के उपले बनते थे। तो रिसाइकलिंग थी, एक चैन, एक सिस्टम बना हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूट गया। उस गोबर की अब कदर नहीं है गांव देहात में, वो चारा अब कोई खरपतवार को कोई हाथ से उखाड़ता नहीं है। अब तो स्प्रे आ गए, अलग अलग जितनी भी खरपतवार को नष्ट करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, उसके छिड़काव का इस्तेमाल हुआ है, तो वो कल्चर कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। और एक जो कम्बिनेशन था खेती का और पशुपालन का, वो उसमें एक दरार मैं कहूँगा कि आ गई है, उसका खामियाजा, उसका नुकसान भी गाँव देहात को और इस हमारी गाँव देहात की संस्कृति को झेलना पड़ रहा है, जिसको हम नोटिस कर नहीं पाते हैं। अगर वो उस पर वापसी कर भी लें तो गांव देहात का भला और फायदा ही होएगा, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा। सरपंच साहब, ये जो एक रोजगार का मुद्दा चल रहा है कि भाई रोजगार नहीं है,
कोई भी राजनीतिक पार्टियों किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन रोजगार के मुद्दे को तो किसी ने सीरियस लिया नहीं। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि सरकार कितनों को नौकरी देगी, मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, रोजगार उत्पन्न करे, ज़्यादा से ज़्यादा करे। लेकिन बात ये, एक तो हमारे युवाओं में खास करके गाँव में एक तो उन्हें बोलने का कम बेरा है, और दूसरी बात स्किल सेट के नाम पर उनके पास वो 10वीं 12वीं ही है और स्किल सेट तो कोई है ही नहीं। और फिर एक अंग्रेजी की बात है, कॉरपोरेट जितने भी गुड़गांव वगैरह में सारे हरियाणा की ज़मीन पे तो बने हुए हैं। तो एक बार मेरे किसी एचआर से बात हो रही थी, मैं कहा जी ये महाराणा ने भी रख लिया रो, बोला भाई थारा ने रख लिया, यूनियन बाजी कर रहे हैं और अंग्रेजी नहीं आती और भाई बदतमीजी कर रहे हैं, वो सब का तो नहीं है। बोला एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है, बोला क्या करे, हेडेक हो जाए मारे गला। बोला तो तमीज़ तो सबसे पहली चीज़ है भाई, कंपनी में हम रखेंगे तो एक ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। सॉफ्ट स्किल एक बड़ा अपने बच्चों को समझने की जरूरत है, जो चौधरी छोटू राम ने भी कही थी, भाई तुम बोलना सीख लो भाई। वैसे तो आपने जो सवाल किया था उसका जवाब भी आपकी बातों से निकल के आ लिया। रोजगार का मसला इतना बड़ा नहीं है जितना कि इसका बना रखा है। ये जानबूझ के पैदा की गई एक इच्छाएं, मतलब कि घुसेड़ दी गई है कि हर आदमी हाय रोजगार हाय रोजगार हाय रोजगार, स्किल के नाम पे किसी के पास कुछ भी नहीं है। मैं अगर इसकी गहराई में अगर आप जाओगे तो आजकल का माँ बाप चाहता क्या है, पढ़ाई के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर बस ये चाहो कि जैसे तैसे करके 10वीं 12वीं पास कर ले, स्कूल कॉलेज गया तो वहाँ से डिग्री लेके आ जाए, सिफारिश से लेके आ जाए, अप्रोच लग जाए, कुछ भी लग जाए। यानी कि पढ़ाई के नाम पर अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं करनी है। आपने ज्ञान तो बच्चे को होया नहीं है, ज्ञान अर्जन तो है नहीं है, लेकिन भाई वो डिग्री हाथ में आ गई, उसको भी बड़ा एक नाम जो गदड़ भर रहा है। हाँ, और मैं जब सरपंच था, बड़ी हैरानी होगी आपको, तो मेरे पास एक सज्जन का फोन आया और वो बोले कि भाई सांगी गांव में बेटे का सेंटर आ रहा है, तो सांगी गांव के सरपंच को फोन करके सिफारिश कर दे कि वो थोड़ी सी उसकी पेपर में हेल्प हो जाए। तो जब माँ बाप इस लेवल पे आ जाए कि वो अपने बच्चों की इस ढंग से नकल करवाना या उनको अप्रोच करवाना, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उस बच्चे के अंदर क्या गुण होंगे, उसने क्या सीखा होगा। स्किल तो बहुत बाद की बात है, बेसिक जो नॉलेज है वहाँ तक भी बच्चे जा नहीं पाते हैं। अच्छा, अब एक बात और क्या निकल के आती है कि जैसे अब पिछले दिनों खूब हल्ला मचा कि भाई पेपर लीक के ऊपर पूरे इंडिया लेवल पे इस ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पेपर लीक कौन करवाता है? जो बच्चा पढ़ाई करके रोजगार के लिए धक्के खा रहा है उसके पास तो पेपर लीक करवाने पेमेंट करने के पैसे हैं नहीं, वो पेपर की पेमेंट कौन देगा? वो माँ बाप ही तो देने वाले होंगे। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं इलीगल रास्तों के लिए, गलत रास्ते के लिए, उनके अंदर वो ना एटिकेट्स डेवलप कर पा रहे हैं, ना उनको एथिक्स का पता है, ना उनके अंदर कोई स्किल है, और उसी का रिजल्ट ये है कि भाई रोजगार की समस्या उनके सामने है। हकीकत बात यह है कि किसी भी तरह की स्किल अगर किसी के पास है तो कोई भी बच्चा मार्केट में इतने ज्यादा स्कोप है कहीं भी जाकर के काम कर सके। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई सरकारी नौकरी हो तो ही गुजारा होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी तो बहुत सारी नौकरियां हैं। पिछले सप्ताह की बात है, मैं कोर्ट में अपने एडवोकेट साहब के पास बैठा था, तो उनको कुछ टाइपिंग करवानी थी। उन्होंने अपने पीए को कहा कि भाई वो फला आदमी के पास जाके करवा लो कि उसके पास तो काम का बहुत लोड है। मैंने कहा कि जी टाइप करने वाले भी काम मतलब लोग नहीं गया। वो बोले कि इतना ज्यादा काम है टाइपिस्ट का कोर्ट के अंदर है, और जो स्किल्ड और टैलेंटेड बच्चे हैं वो मिलते नहीं है। हकीकत बात यह है कि आप रोहतक में, अगर मैं 2 साल पहले की बात है, जो ग्राफिक का काम है, जो डिजाइनिंग का काम है, मैं वहां जाके काम करवाने लगा तो वहां ऐसे अनस्किल्ड लोग बैठे हैं। देखो काम तो कर रहे हैं वे, उनकी ये तो खूबी है कि चलो वे अनस्किल्ड हैं, लेकिन फिर भी वो बैठ के कमा तो रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, चाहे वो टाइम पास कर रहे हैं या भाई तो उनकी डिजाइन में इतनी ढेर सारी खामियां, जो टाइपिंग वो करने लग रहे, जो हिंदी की जो उनकी वोकैबुलरी थी उसमें उनकी इतनी खामियां, मैं उनको ठीक करवाने लग रहा हूँ बैठ के, यहाँ ये नहीं, यहाँ ऐसे आएगा, इसको डिजाइन को ऐसे मत करो, इस फोटो का मुंह इस कोने में लगा रखा है, फोटो का मुंह बाहर कर रखा है, इसको है ना क्रॉप करके ये इसका मिरर व्यू देगा, इसको अंदर की तरफ करो। इनको उनको बेसिक सी नॉलेज जिनको नहीं पता, वो लोग अनस्किल्ड लोग मार्केट में बैठ के काम करने लग रहे हैं। अगर स्किल्ड लोग आए
तो मैं कहता हूँ इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हर लाइन में भरी पड़ी है कि बस पूछो मत जी। लेकिन स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी साहब। जो हमारे जो बहुत बड़े नेता हुए चौधरी छोटू राम, जिनका तो सर छोटू राम, उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले ही कैसे देख लिया था और उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही थी, ए मेरे बोले किसान तू बोलना सीख ले। हाँ, ए मेरे बोले किसान मेरी दो बात मान, एक बोलना ले सीकर दूसरा दुश्मन पिछान। तो बोलना सीखना बहुत जरूरी है। और देखो बोलना सीखना क्यों नहीं आता, उसमें भी पढ़ाई और हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। मैं अक्सर किसी भी स्कूल में, जब गांव के स्कूल में भी मैं जाता था या कहीं बाहर एकेडमी में या कहीं भी बच्चों से संवाद के लिए मेरे को बुलाया जाता है, तब मैं उनको एक बात सबसे पहले कहता हूँ कि अपने बोलचाल में और व्यवहार में दो तीन चार चीजें ले आओ। आप प्लीज कहना सीख जाओ, आपसे गलती हो जाए आप सॉरी कहना सीख जाओ, आपके कोई काम आ जाए तो आप उसको थैंक यू कहना सीख जाओ। और आप जब सामने कोई चाहे चौकीदार है, चाहे सामने कोई डीसी साहब है या सामने कोई क्लर्क है, तो उनको आदर मान सम्मान से उनका रिगार्ड्स करना सीख जाओ, तो आप कहीं भी जीवन में मार नहीं खाओगे। लेकिन कमाल की बात है, छोटी सी बातें हैं ये लाइफ में आ ही नहीं पाती। और उसी का खामियाजा हमारा गांव देहात का जो यूथ है वो भुगतता है जी सरपंच। अच्छा, इसमें इसमें मैं एक चीज आपको कहूं, 40 के करीब मेरी उम्र होगी, जब हम छोटे छोटे थे तब हम हिंदी मूवी देखने लगे थे, टीवी सीरियल देखने लगे थे। हमारे गांव देहात की या हमारे घरों की जितनी भी बहुएं औरतें हैं वो टीवी सीरियल से और सारी चीजें तो कॉपी कर लेंगी। सूट कैसा पहन रखा है, ज्वेलरी कैसी पहन रखी, सैंडल कैसे हैं, बैंगल्स का कल्चर, करवा चौथ का कल्चर है, अब वो लड्डू गोपाल आगे है, यानी कि फिजूली जितनी चीजें हो तो आपने सारी वहां से कॉपी कर लिया, लेकिन बोलचाल तो आपने वहां से कॉपी नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? वही बात हमारे यूथ के ऊपर भी लागू है। क्या आप मूवी तो देखते हो, आप टीवी सीरियल देखते हो या आप वेब सीरीज देखते हो? तो जब आप हर चीज देखने लग रहे हो तो उनका कल्चर भी तो कॉपी कर लो, बोलना चलना तो सीख लो उनसे। ठीक बात है। हाँ, और मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, एक अपने MD यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, नाम तो लेना ठीक नहीं है, तो उनका बेटा अभी 6ठी 7वीं में ही है, तो छुट्टियां होती हैं 2 महीने की, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को छुट्टी 11 से 2, उन्हीं के एक दोस्त हैं बेकरी चलाते हैं कि जी 7th 8th क्लास में है, तो उनको 2 घंटे के लिए वहाँ छोड़ दिया। तो वो बता रहे थे एक दिन, बोले भाई ऐसा है नौकरी नाकरी तो आगे है नहीं, लेकिन बच्चे का जो टेम्परामेंट है वो बिजनेस की तरफ, कम से कम ये सीखे गल्ले के पास जाएगा, कस्टमर आएंगे, कौन सी चीज़ कैसे है, जो बाकी एम्प्लॉयज है उनका व्यवहार देखेगा, उनके ऊपर प्रेशर क्या है, किस चीज़ की डिमांड है, सोच रहे कि 2-2.5 घंटे उनको वो डेली छोड़ते, और उन्होंने इस तरह से वो 2 महीने की छुट्टियों में अलग अलग उन पर जो उनके जानकार थे बच्चे का मामला है, तो वो बेसिकली आइडिया यही था कि उनका जो टेम्पर है वो थोड़ा सा बिजनेस की तरफ जाए, डाइवर्सिफाई हो, बच्चा क्लासरूम से बाहर भी देखे, बाहर दुनियादारी को देखे, ये भी देखो। तो ये हमारे गांव वाले क्यों नहीं, मतलब तो सिर्फ एक नौकरी है जी, इसकी सरकार आ जाएगी जी, हम नौकरी लगा देंगे, मतलब क्या इनको जरूरत नहीं है इस चीज की? देखो मेरी एक बात हो सके किसी को बुरी भी लग जाए, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि खासकर अपने रोहतक झज्जर सोनीपत का या बल्कि हरियाणा का ही को, वो हमारे यहाँ का कल्चर इतना खराब है कि हमारा जो पुरुष समाज है ना वो काम नहीं करता है। गांव देहात में जाओगे सारा दिन बैठकों में हुक्का पड़ते रहोगे, कल की वो सारा सारा दिन ताश खेलते रहोगे, खेत में काम कौन करेगा? हमारी माताएं बहने जाती है बुग्गी जोड़ के, बिल्कुल गोबर कौन उठाएगा? वो हमारी माताएं बहने उठाएंगी। सुबह उठ के दाल डोकी कौन करेगा? पशु का दूध कौन निकालेगा? वो हमारी माताएं करेंगी। उनको भाई खेत से हरा चारा काट के कौन लेके आएगा? वो भी जिम्मेवारी, बच्चे को स्कूल भेजना वो भी उनकी जिम्मेवारी। हमारे मर्द क्या करते हैं, पुरुष क्या करता है हमारे समाज? वो ताश पीटता है जी, और जब देर शाम हो जाए तो वो पार्टी करता है।
तो और वही कल्चर वहां से कॉपी हो गया हमारे यूथ के अंदर भी। सरपंच साहब ये तो हम अपने घरों में देख लिया, आज से जब हम बड़े हो रहे थे बचपन से, तो हम हमारी माँ 3:30 बजे उठ करके और वो ये सारा जो का अपने भैंस का काम करते थे, गोबर का काम करते थे, और बाबू को देखते थे तो बाबू जो बैठक में बैठ के काम तो करते थे वो खेत में, लेकिन माँ के मुकाबले 10-15% काम करते थे, माँ दादी ताई जो भी मतलब है। तो ये तो बिल्कुल सच है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज और आपको कहूंगा कि आप वेस्ट यूपी में चले जाओ। अच्छा, वहां मेरी मौसी हैं। ये मैंने कैसे कंपेयर किया कि भाई जमुना पार जाके उधर का कल्चर और जमुना पार इधर का कल्चर, वो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भी वो फर्क हो सके है, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगा मैं बताता हूँ। जो हमारे वहां पे मौसा जी हैं वो 8-10 भैंस रखा करते थे, और हमारी मौसी ने ताउम्र आज तक कभी गोबर का हाथ नहीं लगाया। वो अपना तहमद ऊपर करते और आधा घंटा उनका सारा गाय का गोबर इकट्ठा करना और एक रेडी थी उस रेडी में उसको लोड करना। मैं जितनी बार भी जाता था उतनी बार ये देखता था कि वहां औरतें गोबर के हाथ नहीं लगाती, उनका काम चूल्हे चौके का, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाने का है, और हमारे यहाँ क्या कि सारा का सारा बोझ महिलाओं के ऊपर है। वही चीज हमारे यूथ के अंदर आ गई, यूथ ने ज्यादा एडवांस होने के चक्कर में, और एक जो ये हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ना हरियाणा की, इसने भी थोड़ा सा काम खराब कर रखा है। इसने बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े एक वायात और फूहड़ कल्चर है ना, वो ड्रॉप कर दिया सोसाइटी के अंदर, और एक छद में जो कहोगे आपकी रुवाब कि आपके पल्ले तो कुछ है नहीं, लेकिन आपकी बातें बड़ी बड़ी है। रोजगार की ज्यादा हाय तो बार मारा मारी पैसा कमा लेने की मारा मारी क्यों करनी पड़े, इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी पाल ली। सबको आईफोन चाहिए, सबको चाहिए। मैं 5-7 साल से गांव का सरपंच रहा, मेरे को तो आईफोन की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे से जो ज्यादा काम किसी यूथ का होता नहीं होगा। मैं सरपंच साहब इसे, मैं तो मीडिया का व्यक्ति, मेरा 24 घंटे काम इसी चीज का है। मेरा फोन जिसे रिकॉर्ड कर रहा है ये वन प्लस का है, ये मुश्किल से 35,000 आता है। मेरी जेब में जो फोन है ये भी सिंपल सा फोन है। यही तो चीज मैं देखी जिन लोगों जो और प्रोफेसर गांव में जाकर देखता हूँ, बड़े आईफोन लिए क्या करता है, गाने सुनता हूँ और यूट्यूब देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ। उनको ये पूछो कि वो उनकी बातें पता क्या मिलेंगे, उनके लॉजिक क्या मिलेंगे, अगर वो हैक नहीं होता भाई, एक तो मारा फोन भी नहीं हो लिया, ताम भाई कौन सी फाइल दबाए बैठे हो कि तारे फोन है कोने का डर खतरा है। वो बुलेट से नीचे बात नहीं करते हैं, बुलेट पे उनको चलना होता है। सबसे बड़ी बात है कि देर शाम होते ही वो अपने 4-5 मित्र मंडली को लेकर के बियर शियर ली और मुर्गा शुर्गा मंगवाया ढाबे से, और खेत के किसी डोले पे बैठ कर ने 1-2 घंटा मटर गस्ती करी। तो कहने का भाव ये है कि गलत कल्चर कॉपी कर लिया। सरपंच साहब आपने एक बात कही कि खास करके रोहतक जद्दर सोनीपत का, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, रोहतक जद्दर सोनीपत में हमारे पंजाबी समाज भी हैं, जब ये पार्टीशन से आए इनके पास क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन जो पुरुष हैं इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, एक रेडी से शुरुआत की थी और उसके बाद देखो आज इनके पास सब कुछ है। तो पुरुष तो ये भी था, ये भी तो रोहतक जद्दर सोनीपत में, मारियाड़े ने क्यों नहीं सीखे इनसे मेहनत करना? वो हमारे वालों में मेरे ख्याल से इसलिए नहीं सीखा होगा क्योंकि कंफर्ट जोन में रहे, उनके अंदर ये बहम बाढ़ दिया गया कि भाई एक या एक उनको उसमें रखा गया कि भाई तुम जाट जमींदार हो, खेती किसानी वाले हो, थारा 10-10 एकड़ जमीन है, किसी किसी गाँव में तो 20-20, 30-30, 50-50 एकड़ जमीन है, और थमने क्या जरूरत है, थारा बढ़िया बात दाव है और बढ़िया दाने हुए हैं, खाना बढ़िया है, दूध दही घी शक्कर अपना बढ़िया खाना और खूब बढ़िया सोना, तो वो कंफर्ट जोन में रहे। माइग्रेशन होकर के आजादी, देश की आजादी और विभाजन के बाद माइग्रेशन होके जो लोग जंग से मुल्तान से वहां से जो यहाँ पे आए हैं उन्होंने बड़ा एक दंश झेला, उन्होंने बड़े एक संघर्ष का दौर देखा है। देखो वो चीजें काम करती हैं, एक पीढ़ी का संघर्ष कई पीढ़ियों तक काम करता है और उनके लिए सीख का सीख बनता है। तो ये देखो ना, हम हमारे वाले संघर्ष का दौर अब शुरू हो चुका है इनका, क्योंकि जमीन तो बची नहीं, नौकरी है नहीं, व्यापारी नाता नहीं,
जितने भी आप जेल देख लो, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूँ, तो रिपोर्ट करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बड़े अधिकारियों से मिलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में नहीं आ पाती सामने, लेकिन ज़्यादातर जो है ना इसी समाज से जेलों के अंदर भरे पड़े हैं। कारण क्या है? बस यही कारण है, रोजगार नहीं था और अपना आवाबाजी में अपना अंदर गए। जेल का जिक्र आप कर रहे हो, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 10-15 दिन पहले मैं दनोदा गाँव में गया था। वहाँ के एक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान थे और एक कैथल से था एक भाई, उनके साथ बातचीत चल पड़ी। कुछ भाई सोनीपत से भी वहाँ गए हुए थे, तो सरपंच जी से बात चली, फिर वो गुंडागर्दी पे आ गई। तो उन्होंने ये बताया कि सोनीपत के गांव का जो हाल बताया, देखो रोहतक में तो हो सके कि मेरा गांव ठीक हो, इसलिए मेरे को नहीं लगता, लेकिन रोहतक से अगर कंपेयर करें सोनीपत, और जैसा उन्होंने बताया, मेरे को ऐसा फील होया जो वो बताते जाने लग रहे थे कि जैसे तालिबान का जिक्र कर रहे हूं। एक भाई ने बताया कि हमारे गांव में 5-6 काली स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं, सुबह से शाम तक वो पूरी गलियों में धूं धा इधर से उधर, उधर से इधर, और हमने 5-7 मुस्टंडे बैठे रहे हैं हर स्कॉर्पियो में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बच्चे उसके अंदर बैठे, 20 साल से ऊपर एज किसी की भी नहीं है। तो जो बच्चा 20 साल की एज अभी हो ही नहीं है और वो काली काली स्कॉर्पियो उस पे बराबर में चिक लगा रखी, ब्लैक कलर की, दिखता ही नहीं अंदर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। एक ये जो झूठा स्वैगर या हवाबाजी और बदमाशी का जो हमारे यूथ के अंदर जो डाल दिया गया ना, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान और घातक होने वाला है जी। लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम हुई है हरियाणा में अभी पिछले दिनों से, 18-19 साल के लड़के बिना कोई डर नहीं उनको, और बिल्कुल खड़े होके मारते हैं और पूरा इंश्योर करते हैं मर गया नहीं मर गया, मरने के बाद भी 4-5 गोली एक्स्ट्रा दागते हैं। कौन है ये? मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिन स्कॉर्पियो में घूमते हैं या फिर माँ बाप ने कभी संभाला नहीं। आपको हैरानी होगी कि जो क्रेज पहले फौज में भर्ती होने का होया करता है ना, वो क्रेज आज गैंग, अलग अलग गैंग है, उन गैंगों में भर्ती होने का हो रखा है जी। बिल्कुल, कि इस गैंग के जो मुखिया हैं या जो भाई बड़े उनके साथ वेल कनेक्ट कैसे हुए, उनके नजदीक कैसे जाएं, मैं इस गैंग का सरगना कैसे बनूं, बिल्कुल मेरी गिनती नामचीन गुंडों में कैसे आए जी, बिल्कुल, और मैं फिरौती कब मांगना शुरू। जज्जर और रोहतक के जो बड़े पुलिस अफसर हैं वो ये बताते हैं कि भाई हमने सोशल मीडिया पे ट्रैक करना शुरू कर दिया, जितने भी ये गैंग है आखिरकार कौन कौन के सपोर्टर है, नुबला हमने लिस्ट बनाई और लिस्ट हजारों में थी, 17-17, 14-14 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करते हैं। वहाँ हमने मीटिंग करी है कि भाई अपने बालकन संभाल लो, के करना रहे हैं, माँ बाप ने बेरा ही नहीं। एक इसमें एक बात और भी है, देखो पिछले 10 साल का जो राज यहाँ पे रहा ना, देखो वो उस देखो उसको तो क्रेडिट जाएगा ही भाई, जो हालात पैदा कर रहे हैं, डिस्क्रेडिट, हाँ डिस्क्रेडिट कह लो, क्रेडिट कह लो, डिस्क्रेडिट कहते हो तो हमने डर लगा है भाई हम तो क्रेडिट ही कहेंगे क्योंकि ये एक ऐसा दौर है कि सब कुछ अच्छा ही बताना पड़ेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो गुंडे बदमाशों को एक तरह से पाला गया है, या उनकी भी उतनी गलती नहीं है कि जो उनके दिमाग में बीज जो एक ड्रॉप कर दिया गया ना, वो क्या करें, उनको वही दुनिया अच्छी लगती है। और पहले जो हालात यूपी की होया करते ना, कि भाई कहीं कोई मर्डर हो लो यूपी के गैंगस्टर या शूटर होया करते, सुना करते हम बचपन में कि यूपी के शूटर, यूपी के शूटर, एक दहशत होया करती। आज वो काम हरियाणा का हो रखा है, यूपी में भी अगर मर्डर होता है, राजस्थान में भी अगर मर्डर होता है, इवन पंजाब तक में मर्डर होता है, शूटर हरियाणा के होते हैं। बिल्कुल, आप जितने राजस्थान में पिछले दौरान में मर्डर हुए हैं, ये मूसेवाला देख लो, मूसेवाला का देख लो, यही थे यही के शूटर थे, पर यूपी तक में भी अब हमारे बंदे जाने लगे हैं। तो अब ये पता नहीं इसको अचीवमेंट मानने क्या मानने, तो ये हमने डिफेम कमाया है। हाँ, अच्छा सरपंच साहब, अब हम अपना डिस्कशन को फोकस करते हैं सोल्यूशन पर, क्योंकि ये चीजें तो चली रही हैं, विमर्श तो बहुत बड़ा चला, चर्निंग समाज में हो रही है, आखिरकार युवाओं के साथ बहुत सारे माँ बाप बहुत कंसर्न है अपने बच्चों को इन सब से कैसे बचाएं, और कुछ युवा वाकई में ऐसे क्रॉस रोड पे हैं, हम करें तो करें क्या, कुछ उपाय भी हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। उपाय की देखो मैं एक बात बताऊं, मैं एक रेफरेंस में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। एक युवा 3-4 काम धंधे करे, 3-4 जगह फ्लॉप हो गया, जहां भी हाथ डाले नुकसान खा का जावे, जो चौथा पांचवा काम में भी वो उसने नुकसान हाथ पल्ले टोटा हाथ लग गया, तो अपने बापू तक बोला बापू
मैं के करूं? तो उसका बाप पूछते बोला, बेटा तू एक काम कर, तू कुछ मत करा, तू आराम से बैठ जा, तेरी यह कमाई है, तने काम करना नहीं आता टोटा, तू जो बिड़ा बनाया है जो हमने जोड़ रखा उसमें रखो देगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हर माँ बाप अपने बच्चे से ये उम्मीद ना रखे कि वो कुछ ना कुछ कमा के लेके आवे, पहले इस बात पे फोकस करो कि जो तुमने बना रखा है उसको खोए ना। पहले ये इंश्योर करो कि वो इस लायक है कि वो जो थारी जमा पूंजी प्रॉपर्टी थारी इज्जत मान मर्यादा जो तुमने अपना एक फेम बना रखा है अपनी एक जगह समाज में बना रखी है उसका मलिया मेट तो नहीं कर देगा, पहले तो बहुत जरूरी है। तो माँ बाप पहले इस बात पे फोकस करें कि भाई बच्चा ठीक रास्ते पे हो, वो आप दुनियादारी की भागदौड़ में शामिल मत करो उसको जी, उसके ऊपर प्रेशर मत बनाओ कि दुनिया कहाँ चली गई, फलाना गाड़ी ले आया, उसने कोठी बना ली, उसने इतना कमा लिया, वो इतनी बड़ी नौकरी लग गया, ये लग गया, उसके ऊपर प्रेशर ना बनाओ। ये जब आप हद से ज्यादा एक प्रेशर बनाते हो तो बच्चा गलत ट्रैक पकड़ लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में संतुष्टि क्या है, इस ज्यादा हाय तोबा के पीछे संतुष्टि नहीं है। फाइनली आप किसी को भी देख लो, आज दिन में भी मैं एक साथी के साथ बैठ के चर्चा कर रहा था कि माइकल जैक्सन की परवरिश किस परिवार में कहाँ हुई थी, बिल्कुल सलम एरिया में उसका घर था, घर के नाम पे कुपोषित था, उसने संघर्ष के दौर को देख रखा था, हद से ज्यादा गरीबी देख रखी थी, लेकिन उसने कितना ज्यादा अचीव किया, इतना ज्यादा अचीव किया कि उसकी तुत्ती बोलती जो स्टारडम में एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था, माइकल जैक्सन के बाद मेरे ख्याल से कोई चेहरा इतना नहीं होया होगा, नहीं हुआ। लेकिन इतना सब कुछ पा लेने के बावजूद भी उसकी लाइफ में सुकून नहीं था, उसको कभी अपना चेहरा खराब लगने लगता, वो प्लास्टिक सर्जरी कराता, कभी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाता, कभी चेहरे का रंग उसे थोड़ा सुधारने की कोशिश करी, और इवन यहां तक आ गया कि वो, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिल रही कहीं पर भी। तो संतुष्टि का कोई छोर नहीं है, संतुष्टि कोई ये सोचे कि मैं बहुत सारा कमा लूंगा मैं संतुष्टि पा लूंगा, नहीं पा सकते आप। इवन अंबानी परिवार में का अभी जैसे भैया अनंत की शादी हुई है, मैं एक बात कहता हूं कि नीता अंबानी के गले में 650 करोड़ का हार था, लेकिन 650 करोड़ के हार को जब वो पहन के सोएगी तो नींद नहीं आएगी, उसको उतारना ही पड़ेगा, उतारना ही पड़ेगा, नींद तो उसको उतारने के बाद आएगी। जिस दिन अनीता अंबानी की खांसी हो जाएगी 650 करोड़ का हार से बात नहीं पड़ेगी, 5 रुपए की गोली से ही बात बन जाएगी। तो जीवन में क्या जरूरी और क्या ना जरूरी, आपने कितनी फालतू की इच्छाएं और सपने पाल रखे हैं, उनसे अपने बच्चों को बचाओ जी। ये कुछ नहीं है, किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को नहीं। जीवन का आनंद कहाँ है? आप अभी सेक्टर 3 में बैठे हैं, सेक्टर 3 में रहने वाले मोस्टली जो लोग गांव देहात से यहाँ पे शिफ्ट हो रखे हैं, बढ़िया साधन संपन्न है, 2-2, 3-3 करोड़ की कोठी है, यहाँ से 30-30, 40 साल पहले अपने गांव को छोड़ करके यहाँ के बसे थे, कोई प्रोफेसर लगा हुआ है, कोई बड़ा और किसी जगह बड़ा अफसर लगा, हेड मास्टर है ज्यादातर है, ये गांव देहात के लड़के को गांव देहात के कुएं को छोड़ के यहाँ आए थे। लेकिन आज की हालत में आपको बताता हूँ, इनके घरों में जल घर से पानी सप्लाई होता है, घरों में आरओ लगा है, लेकिन नहीं, हर सेक्टर 3 वासी वहां बाहर जाके आप नलका देखो, लाइन लगी पड़ी नलके से पानी लाके पानी पी हुए हैं। इनने पता लग लिया कि इस पैसे में, इस आपा दापी में, इस भागदौड़ में कुछ नहीं है, सुकून नलके के पानी में है। ठीक बात है। और वहां आप जाकर के देखोगे तो स्कूटी के ऊपर वहां पे कॉलेज की प्रोफेसर लेक्चरर लेडीज जैसे पनगट के जैसा माहौल सेक्टर 3 की पुड़िया पे रहता है, 10 नलके लगे हुए हैं, सभी पानी भर भर के लेके जावा। तो भैया अगर नलके का ही पानी पीना था, अब गांव देहात ने तो नलके का पानी पीना छोड़ दिया, वो आरोप है आगे, आरोप है आगे, उनको लगता है कि वहां सुकून है, वहां सुकून नहीं है, गांव देहात में सिलेंडर चला गया, चूल्हे की रोटी खाना छोड़ दिया, हरा छोड़ दिया, हरा छोड़ दिया, गोसे पाथने छोड़ दिए, छोड़ दिए, अपने बिटोड़े धरने छोड़ दिए, बिटोड़े के ऊपर जो घिया की तोरी की बेल चढ़ा करती वो बेल लगानी छोड़ दी, वो एक घिया तोरी की बेल थी, पूरी गली को छिका कर रखा करती, रिश्तेदारों पे पूछा दिया करते। तो सुकून कहाँ है, नींद कहाँ है, मजा आनंद कहाँ है? असली तो आदमी इसी के लिए भागदौड़ होगी ना, वो सुकून तो त्याग दिया। तो हमें वहां उन चीजों आधुनिक और जो भौतिकवाद है उतना ही उसको अडॉप्ट करना है जितना वो जरूरी है। लेकिन सरपंच साहब युवा है, कुछ तो करेंगे ना? नहीं, युवा है कुछ तो करेंगे। आप एक बात बताओ, जो वो बड़ी आसानी से कर सके हैं वो तो कर नहीं रहे,
जो उनके हाथ की बात है, जो बड़े ही प्यार से वो कर सके। जिनके खेत है वो तो खेत में काम करें। हाँ, नहीं खेत में काम, केवल खेत में काम ना करें, और भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं पिछले साल की बात है, मानसरोवर पार्क के पास गोलगप्पे वाला खड़ा, पता नहीं उस दिन मेरा मन था बहुत ज्यादा, वो गोलगप्पे वाले भी इसलिए नजर चली गई, गोलगप्पे का पानी है ना वो पीने का मन था मेरा, मैंने रोक लिया, माँ भाई दो गोलगप्पे खिला दे। अब वैसे तो क्या कहूँ मैं उसको कि भाई तू पानी पीना बने, माँ भाई दो गोलगप्पे खिला दे। तभी वहां एक स्कूटर वाला आके रुका, बजाज स्कूटर, तो गोलगप्पा जो गोल गोल फुला हुआ है वो उसको सप्लाई देने के लिए आया था। अच्छा, तो मैं उससे पूछने लगा कि भाई तू कहाँ का है, उसने बताया मैं बिहार से हूँ, छोटी सी उम्र का लड़का था वो। माँ भाई तेरी रोज की कितने की सेल है आप कल्पना नहीं कर पाओगे, वो 10,000 रुपए की सेल बता रहा था, 3,000 का खर्चा बता रहा था, 5,000 से 7,000 रुपए डेली के, वो 1.5 लाख रुपए उस रेडी से लेके जाने लग रहा है। एक मतलब नाबालिग बच्चा, उसको रोहतक का एक बड़ी उम्र का आदमी गोलगप्पे सप्लाई करने लग रहा है, थोड़ी देर में कोई दूसरा आएगा वो रॉ मटेरियल उसको सप्लाई करने वाले हैं। और डी पार्क पे एक प्लाट है जहाँ पे रेहड़ी लगती है, काफी फेमस है, वो स्ट्रीट फूड के लिए काफी फेमस है, वहां अगर आप जाओ, एक एक रेहड़ी वाले का गल्ला हर रोज का 30,000-30,000 रुपए का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो वो केवल वहां 4 से 5 ही घंटे शाम को आते हैं, 9 बजे तक वो अपना कंक्लूड करके चले जाते हैं। सरपंच साहब इसमें एक बात है, अगर हम ओपनली मैं और आप ये कह दें कि भाई कोई भाई हमारे वीडियो देख कर यो काम करना चाहे रेडी के पैसे हम देवांगे, तुम काम काम करो, मन नहीं लगता कोई तैयार होगा, मतलब ये एटीट्यूड की बात है। नहीं वो हो सकता आगे आ जाए, लेकिन एटीट्यूड ही है कि भाई हम रेडी लावा है। नहीं वो पता है क्या है, ये हमारे दिमाग में चीजें प्लांट कर दी गई है। महात्मा गांधी एक बार एक प्रोग्राम में गए, उनको बुला रखा था, जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने जाके देखा कि प्रोग्राम की तैयारियां तो होनी रखी हैं, कुछ लेट लतीफी चल रही है, जो मैनेजमेंट वाले हैं वो अपने तैयारियों में लगे पड़े हैं, कोई सफाई कर रहा है, कोई टाट बिछा रहा है, कोई स्टेज बनाने लग रहा है, कोई बर्तन मांजने लग रहा है, तो वो अपनी साइकिल खड़ी करके बर्तन मंजवाने लगे। अब वो सादा सीधा साध आदमी, किसने पता कि आज की प्रोग्राम का चीफ गेस्ट यो है, साइकिल पे वैसे आ रहा है, तो सबने सोचा कि ऐसे ही होगा, कोई आम साधारण आदमी होगा यहीं अड़ोस पड़ोस का। तो जब प्रोग्राम हो लिया तो उसने अपने हाथ उद्योगे महात्मा गांधी जी, और जो स्टेज पे बढ़े तो सबने हैरानी जताई, बोले तो बर्तन मंजवाने लग रहा था, मैनेजमेंट वाले जाके माफी मांगने लगे, तो बोले कि जी तो बहुत बड़ा पाप हो गया। बोले पाप क्या हो गया, प्रोग्राम में चीफ गेस्ट हूँ, मेरा प्रोग्राम है तो मेरी जिम्मेवारी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो हमारे लोगों के अंदर पता है क्या हो गया कि वो अपना काम नहीं करना चाहते, वो इसमें अपनी हीनता मानते हैं, वो इसमें शर्म मानते हैं, शर्म नहीं आनी चाहिए। हालात ऐसे हैं कि बच्चे है ना अपने घर में लेटरिंग साफ नहीं कर सकते, उस लेटरिंग को साफ करेगी तो केवल घर की औरत करेगी या बाहर से कोई सफाई करने वाला है। ये जो सोच हमारे अंदर ना झूठे बड़प्पन की डाल दी गई ना, ये बहुत घातक है। ऐसा आदमी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो अड़ा खड़ा और तड़ा रहेगा है। और उसी वजह से मैं कहता हूं कि आपको अगर किसी भी कोई भी काम करना है, यूं नहीं कि आज आपने ये काम एक स्टार्टअप करा और आप अगले दिन से पैसा कमाने लग जाओ, नहीं। अगर आपको सूट की भी दुकान खोलनी तो आप शौरी मार्केट में जाओ, किसी के पास 6 महीने नौकरी करो, उसको अपना गुरु मानो, उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो, वो टूटी फूटी जैसी भी सैलरी दे वो लो, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस काम धंधे के समझ बता करो। हाँ, उसकी समझ कि किस चीज की नीड है, कैसे इसकी मपाई होती है, लोग क्या औरतें क्या खरीदना पसंद करती हैं, जेंट्स को क्या पसंद आता है, माल कहाँ से आता है, इसमें वेस्टेज कितना जाता है, जो उस धंधे के गुर है ना वो आपको सीखने पड़े। तो सरपंच साहब आपने तोड़ के बात यह कह दी कि भाई मारे बड़का में सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत है, हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं, साधन सुधन सब आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एक सोच एक समझ डेवलप करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चे को जो कुछ भी बनाना है वो आप बना सको, और कोई साथी अगर ये मानता, मैं ये चैलेंज तो नहीं कहूंगा लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आपको जो बनना इस धरती में बन सको, बशर्ते एक ही कंडीशन है कि आपको वैसी सोसाइटी में रहना पड़ेगा। आप 5 दिन पॉलिटिशियन के पास रहने लग जाओ, 6
छठे दिन आपको सपने भी नेता बनने के दिखने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक सब एक मैं सुझाव एक सलाह अपने यूथ को और अपने साथियों को और हमारे गांव देहात के जितने भी साथी हैं या किसी भी मर्द जात को एक सुझाव मैं जरूर दूंगा। मर्द का काम घर पे रहना नहीं होता, या तो आप पढ़ाई करो तो घर से निकल जाओ, पढ़ाई करने के बाद भी आप सुबह घर से निकल जाओ रात को घर पे आओ, अगर आपके पास काम धंधा नहीं है तो भी निकल जाओ, साइकिल उठा के निकल जाओ, चाहे आपको शहर में जाके टायर पंचर की दुकान वाले के वहां बैठ के अखबार पढ़ के वापस आना पड़े, चाहे आपको नाई की दुकान पे जाके वहां बैठ के अखबार पढ़ के वापस आना पड़े, चाहे आपका कोई लोकल नेता उसके ऑफिस पे जाओ, लोगों से चर्चा करो, बात करो, फिर शाम को वापस आ जाओ। गलत संगत से बचो, लेकिन अपने घर से जरूर निकल जाओ और वहां जाओ जो चीज को आप लाइक करते हो। आप 3 महीने कंटिन्यू वहां जाते रहो, आपको अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। ठीक बात है। आप घरा बैठे बैठे घरा पड़े पड़े नु सोचते रहोगे हाय रोजगार, हाय सिफारिश, हाय मैं की करूं, हाय मेरी डिग्री, हाय ये हाय वो, ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको निकलना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपनी तो मदद करोगे तो मैं कमा ना कमा भगवान भी एक मदद करेगा, कुछ ना कुछ आपको। कैथल के एक भाई मिले, संदीप संधू शायद करके नाम है, और मैं इन भाइयों को कहना भी चाहूंगा, वो भाई मेरे को मिला और फॉर्च्यूनर गाड़ी में आया था जहां मेरी उससे मुलाकात हुई, तो उसके साथ जो उसका साथी था वो मजाक मजाक में कहने लगा कि भाई यो महारा बॉस है, इसने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रखी है। उसने 2-3 बार रिपीट करा, तो मैंने पूछ लिया माँ भाई कैसे मजाक कर रहा है भाई के साथ, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस भाई ने बहुत संघर्ष करके आज इस दिखा कैथल शहर में नाम है। कैथल वाले भाई जो सुन रहे हो जानते भी होंगे, माँ भाई क्या काम करते हैं, मतलब मोबाइल फोन की रिपेयरिंग का काम करता है। अच्छा, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। और मैंने पूछा माँ भाई मोबाइल फोन की रिपेयरिंग के काम में इतना स्कोप कैसे कि इतने आज वहां 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली? तो वो बोला कि मैंने जहां से शुरुआत करी थी और आज मैं जहां पे हूँ, वो बोला कि मैं रुका नहीं, मैं एक ही जगह पे मैं ठहरा नहीं, मैं उसमें जो नई नई तकनीक आती रही अपने आप को अपडेट करता रहा, उसका मास्टर बन गया, उसका मास्टर बन गया। और वो ये बोला कि मेरे पास आज वो उसने बताया कि आईफोन को आप अगर आईफोन के एप्पल के सर्विस सेंटर पे लेके जाओ, अगर आपके आईफोन की स्क्रीन टूटी हुई है तो वो आपके आईफोन की स्क्रीन को रिप्लेस करेंगे, ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक, और 30-40 हज़ार रुपया खर्चे। और मतलब मैं चाइना से मशीन मंगवाई, वो उसको प्लांट कह रहा था कुछ, प्लांट नाम से पता नहीं कौन सा प्लांट, वो बोला कि मैंने चाइना से मशीन मंगवाई है, मैं 3,000 रुपए में एप्पल की टूटी हुई स्क्रीन को रिपेयर कर देता हूँ, इतना ज्यादा। और कहता है कि मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, और ये कहा कि गांव देहात कर किसान परिवार के बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कितने कमाल की बात और कितने गजब की सोच उस भाई की ये थी कि इतनी अपॉर्चुनिटी है सोसाइटी में, लेकिन आप निकल करके आओ। एक बात और उस भाई ने कही, उसका एक टीस निकल करके आई, मतलब लेकिन मेरे को तकलीफ ये होती है कि मैं फीस तो लेता नहीं, उसकी कीमत नहीं समझते वो। और मैं कहता हूँ कि 3 महीने मेरे पास सीख लो, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। और जो कैथल वाले भाई आप वहां जाके संपर्क भी कर सको हो, और बाहर का भी कोई साथी वहां जाके उस भाई से मिल करना चाहे तो जाके मिल के भी। जो संघर्ष की आपने बात कही ना, जो अपना ये रोहतक और दिल्ली वाली लाइन है ना जिसमें रेल निकली हुई है, मैं बहुत सारे ऐसे जो गांव पड़ते हैं स्टेशन, तो वो अपने गांव से सीट इकट्ठा करते और दिल्ली भेज के आते, ऐसे कर करके बड़े बुजुर्गों ने आज कोठी बना ली उनके बच्चे, और बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, और सारा सिर्फ सीट बेच बेच कर। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी जैसे आपने कहा ना इतनी है, अपॉर्चुनिटी तो देखो हर जगह पे है। हाँ। हरिद्वार में गंगा मैया आती है हर की पौड़ी पे, वो तो किसी की घर घरेलू तो है नहीं। बात है। लोग वहां से पानी पैक कर करके बेचने लग रहे हैं गंगा जल तो बीच नहीं, उसको गंगा जल है ठीक है, पवित्र जल है। मैं लेकिन वो जो नेचुरल पानी है उसको भी वो बोतल में पैक करके बेचने सप्लाई करने लग रहे हैं, अपॉर्चुनिटी पैदा कर रखी उन्होंने। ठीक बात है। तो आप अपने लिए जो गांव देहात से जुड़े हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करो। लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो रखा है, लोग अच्छा खाना चाहते हैं। ठीक बात है। उनको आप अच्छा खाना प्रोवाइड करवाओ, अच्छी सब्जियां प्रोवाइड करवाओ, अच्छी गुड़ खांड शक्कर पैदा करवाओ, अच्छी मिठाइयां प्रोवाइड करवाओ, अच्छा दूध प्रोवाइड करवाओ,
अच्छा सरसों का तेल प्रोवाइड करवाओ। ठीक बात, इतना खाद्य इंडस्ट्री है ना, इतना ज्यादा स्कोप है, लोग हाथों हाथ लेते हैं, हर रोज की जरूरत है, अच्छा खाना चाहते हैं, शुद्ध खाना चाहते हैं, और जो गांव देहात का जो बंदा है वो इसमें बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है। और अकेला ये कोई, ये मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यहाँ तक, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इसको मतलब इसी नोट के साथ, क्योंकि हमारा वीडियो अब लंबा होता जा रहा है, तो जैसे सरपंच साहब ने और मैंने आज चर्चा करी, इसका पर्पस एक ही है। बहुत सारे लोग अपना दिमाग बंद करे बैठे हैं, घरा उबरे में कुंडिला कर बैठे हैं और उन्होंने सोचा है कोई चमत्कार होगा। वो एक वो नहीं है, एक रोज पूजा कर रहा था सरपंच साहब, हे हनुमान जी मेरी लाठी लकाट दे, हे हनुमान जी, आखिर में हनुमान जी आ गए और उन्होंने कहा टिकट तो ले ले यार, तेरे तो लॉटरी टिकट ना ली, मैं तेरी लॉटरी लगा दो क्यों कर भाई, तम नहीं करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ निकलना पड़ेगा। जैसे सरपंच साहब ने कहा ना, घर से निकल जाओ, कुछ ना कुछ सीख लो, और ऐसे कैथल वाले भाई जैसे जिन्होंने कमाल करके दिखाया, ऐसे लोगों को ढूंढो, वो इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें फ्री में भी सिखा देंगे, लेकिन सीखना और करना तो खुद ही पड़ेगा। सरपंच साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी के दर्शकों को भी, राम राम।